पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर एक मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करती हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों पर भी ममता बनर्जी तीखा तंज कसती रहती हैं और जमकर विरोध जताती हैं। हालांकि उन्हें अपने राज्य पश्चिम बंगाल की स्थिति नजर नहीं आती, जहां आए दिन दंगे होते हैं, खासकर हिंदुओं के त्योहारों पर। अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा देखी गई, वो ये बताने के लिए काफी है कि वहां के हालात क्या हैं। हालांकि ममता बनर्जी इन सब दंगों में बीजेपी को घेर कर उन्हीं के ऊपर ठीकरा फोड़ देती हैं और जवाब देने से बचती हुई नजर आती हैं। लेकिन जनता समझती है कि ममता बनर्जी से सूबे की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। वहीं ममता बनर्जी इन सब बातों से इतर एक फिल्म को बंगाल में महज इसलिए बैन कर देती हैं क्योंकि उससे राज्य की शांति व्यवस्था भंग होने का उन्हें डर सताता है। जी हाँ, फिल्म द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के आदेश के बाद बैन कर दिया गया और इसके पीछे का कारण कानून व्यवस्था को बनाए रखना बताया गया है। लेकिन अगर ममता बनर्जी को कानून व्यवस्था देखनी है और ये सीखना है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को मेंटेन किया जाता है, तो इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली देखनी चाहिए, जहां पर गुंडे माफिया गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर कर रहे हैं और जो माफिया उड़ने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें एनकाउंटर में ढेर कर दिया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में हर एक फिल्म भी रिलीज हो रही है और कानून व्यवस्था भी हमेशा की तरह बरकरार रहती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये ढकोसलेबाजी नहीं करते हैं कि किसी फिल्म के रिलीज होने से प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो जाए। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आदेश के बाद फिल्म द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। योगी सरकार के इस बड़े फैसले को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिया गया करारा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था बरकरार नहीं रख पा रही और इसी वजह से फिल्म द केरला स्टोरी नहीं रिलीज होने दे रही, ऐसे में दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था भी बरकरार रख रहे हैं और फिल्म भी रिलीज कर रहे हैं, जो कि ये बताता है कि एक मुख्यमंत्री कैसे होना चाहिए। बता दें कि ममता बनर्जी ने फिल्म पर बैन लगाने का आदेश जारी करते हुए अपने बयान में कहा, यह फैसला बंगाल में अमन चैन बनाए रखने के लिए लिया गया है। बीजेपी द केरला स्टोरी नाम की एक फिल्म दिखा रही है। द कश्मीर फाइल्स क्या है? यह एक वर्ग को अपमानित करने के लिए बनाई गई। द केरला स्टोरी क्या है? यह एक मनगढ़ंत कहानी है। कुछ दिन पहले बीजेपी के भेजे हुए कलाकार बंगाल आए थे, वो एक मनगढ़ंत झूठी कहानी वाली फिल्म बंगाल फाइल्स की तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे ही ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया, उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया और उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बताया, द केरला स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। मतलब सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को जवाब देकर बता दिया कि फिल्म भी रिलीज होगी, शांति व्यवस्था भी बरकरार रहेगी और फिल्म भी देखी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 12 मई को अपने पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखेंगे। सीएम योगी ने तो ये बड़ा ऐलान कर ही दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द केरला स्टोरी को लेकर क्या कुछ बातें बोली हैं, वो भी सुन लीजिए। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तिरे, बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में
केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनियरे, इवत्तु